दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनीष कुमार सिंह आज आपको बताऊंगा कि अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करते हैं और अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया है तो आप अपना स्कूटनी या रीचेक का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ पूरा बने रहिए और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाइए और यहाँ से जाके सर्च जो बॉक्स दिख रहा है उसमें BTE रिजल्ट exam.in पे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके पास ऊपर ऐसे कुछ इंटरफेस खुल के आएगा कि व्यूज रिजल्ट, आप ऑड सेमेस्टर मार्च 2022, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है फिल री एलुएसन स्कूटनी फॉर्म जून 2022, इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऊपर जो लिखा है रजिस्ट्रेशन स्कूटनी, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरने को देगा, तो इसमें आप अपना इनरोलमेंट नंबर भर दीजिए। जैसे मैं अपना इनरोलमेंट नंबर भर दे रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही अपना इनरोलमेंट नंबर भरना है। इनरोलमेंट नंबर आप भर दीजिएगा अपना, और इसमें एक चीज़ और आपको भरना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। तो आपको अपना नीचे डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, यहाँ ऊपर से सन चेंज कर लीजिएगा ऐसे, जैसे मैंने सर अपना चेंज कर लिया। सन चेंज करने के बाद आप नीचे यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पूरा आपका डिटेल खुल के आ जाएगा कि आप किस ब्रांच से हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, और आपका ब्रांच का कोड क्या है, और आप किस कॉलेज से हैं, सब कुछ आपको यहाँ ऊपर शो करने लगेगा। और इसमें एक चीज़ और है कि आपको ये भी देखना है कि आपका किस सब्जेक्ट में बैक है, चाहे आपका पेपर का कोड क्या है, नहीं तो बहुत से बच्चे गलत टिक कर देते हैं। तो आप अपने पेपर का कोड एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके पेपर का कोड क्या है। यहाँ पे बगल में देखिए पेपर कोड लिखा है, आप मैच करा लीजिएगा इससे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए स्कूटनी भी लिखा है, और स्कूटनी 60 RF पेपर पर पेपर, और यहाँ री एलिवेशन का जो 500 फीस है वो लिखा है। तो चलिए मैं अपना रीचेक का फॉर्म भरना है, तो मैं अपना रीचेक का फॉर्म भर दे रहा हूँ। मेरा कम्युनिकेशन में बैक है, तो कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे लिखा है, मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल का भर दे रहा हूँ। तो दोस्तों आइए मैं अपना फॉर्म भर देता हूँ। मुझे रीचेक का रीएलुएशन का डालना है, तो मैं रीएलुएशन के लाइन पर जो टिक करने के लिए दिया है, आप इस बात को बहुत ध्यान से चेक कीजिएगा कि आपको टिक कर कहाँ रहे हैं, नहीं तो इसी में अगर गलती हो जाएगा तो आपका स्कूटनी का हो जाएगा। जैसा कि मैंने टिक कर दिया, मैंने कम्युनिकेशन स्किल पे अपना टिक कर दिया, मेरा इसमें बैक है। और यहाँ पे आपको फीस भी दिखाएगा कि किसका कितना फीस लग रहा है। आप जैसे मैंने रिवैल्यूएशन के लिए किया है, रिचेक के लिए किया, तो मेरा 500 फीस लग रहा है। अगर आप स्कूटनी के लिए करते तो आपका 60 रुपये बस लगता। और यहाँ आप नीचे सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपका ये नंबर आ जाएगा, रिसिप्ट नंबर, आप इसे अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये आपको काम आएगा आगे। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपका पूरा फॉर्म रिचेक के लिए हो गया। और इसमें आपको पैसा कटाने का नियम है कि जैसे आज आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो 24 घंटे बाद आप अपना पैसा कटा सकते हैं, और उसके एक दिन बाद आप अपना रिसिप्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट सेव कर लेते हैं, हो गया ये सेव हमारा, आप भी अपना सेव कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और पाने के लिए और नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेरे वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके।